प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था, हिमाचल के ऊना जिला में ये सपना पूरी तरह साकार होता दिखाई दे रहा है। जिले में हर वर्ग डिजिटल मुहिम से जुड़ रहा है और अब बैंकों अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में लोगों को लाइनों में खड़े होकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। डिजिटल इंडिया जो है एक्चुअली इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे हम लोग स्टूडेंट ही है तो हमें ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ भी फीस जमा करवानी थी, कुछ भी होता था तो लाइनों में लगना पड़ता था। तो ऐसा कि अभी ऐसा कुछ नहीं रहा, तो अभी हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि हम सफ़र भी करना होता है, रेलों में बसों में कुछ भी करना होता है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ इससे। कोई आपने पेमेंट करनी है वो आप घर बैठे कर सकते हैं, कुछ चीज़ मंगानी है आपने, ऑर्डर करना है, कोई आइटम चाहिए आपको, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल ये सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं जो भी है डिजिटल इंडिया के कारण। डिजिटल इंडिया ने व्यवसायियों के भी सभी काम आसान कर दिए हैं और अब वे अपने कार्यालय में बैठकर ही लेन देन से संबंधित सारे काम निपटा रहे हैं। मैं अपने मोबाइल से एक क्लिक पर घंटों का काम इंटर में कर लेता हूँ, समय बचता है। इसके अलावा ई समाधान से आप शिकायत कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, आपको वहाँ थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को भी ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने की सुविधा मिलने से उनकी जिंदगी और आसान हो गई है। डिजिटल इंडिया जो स्कीम आई है उससे वरिष्ठ नागरिक और आम लोगों को भी इसका बहुत फायदा मिला है, क्योंकि अब हर एक काम बैठे बैठाए अपने मोबाइल से, अपनी ऐप से, या अपने किसी भी तरह बैंक का काम है, कोई सरकारी कागजात लेने हैं, सारी चीज़ें हमें जो है वो डिजिटल इंडिया से ऑन दी स्पॉट ही मिल जाती है। डिजिटल इंडिया अनेकों के लिए रोजगार का साधन भी बनी है। डिजिटल इंडिया के कारण लोगों को घर में ये सुविधा मिल गई कि घर में ही बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, आजकल डिजिटल इंडिया के कारण पैन कार्ड भी आधार से जुड़े हैं, राशन कार्ड भी आधार कार्ड के कारण आराम से निकल जाते हैं। डिजिटल इंडिया के प्रति युवा वर्ग का खासा रुझान है, क्योंकि मौजूदा पीढ़ी अपना ज्यादा समय ऑनलाइन अथवा मोबाइल पर बिता रही है। डीडी न्यूज़ के लिए ऊना से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।